नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार से, जो है बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाना जानता हो। बच्चों, जब भी हम किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं तो हमें उस कार्य को करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होता है। पर क्या हम उन कठिनाइयों से डर कर उस कार्य को छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, एक संकल्प लेना है, एक निश्चय करना है कि हमें इस कार्य को ख़त्म करना ही होगा, भले ही उसमें कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। और जब हम ऐसा संकल्प कर लेंगे तो वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। तो बच्चों, हमने इसके पहली कक्षाओं में वर्ण, वर्णम में स्वर, व्यंजन, मात्राओं के बाद शब्द बनाना, यह सब सीखा है। तो आज हम इन सभी का एक दोहराव करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है इन वर्णों को उचित थैले में लिखो। यहाँ आपको कुछ वर्ण दिए हैं बच्चों, जिसे आपको क्या करना है, यहाँ दो ऐसे थैली के चित्र बनाए गए हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो इसमें से जो भी वर्ण स्वर है आपको क्या करना है, इधर लिखना है, और जो भी व्यंजन है वो इधर लिखना है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ बच्चों, स्वर यह स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, इन्हें बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन जो स्वर के बिना अधूरे होते हैं, मतलब व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर का उच्चारण अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम स्वर का उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो यह अधूरे रहेंगे, यह पूर्ण नहीं हो सकते। तो चलिए, आपको क्या करना है, यहाँ स्वर और यहाँ व्यंजन अलग अलग करना है। उसके बाद बच्चों, अ से यहाँ तक के मात्राओं को बिंदुओं से जोड़कर चित्र पूरा करो। इसके पहले कक्षा तक हमने वर्णों को जोड़ा, संख्याओं को जोड़ा, अंकों को जोड़ा, ये क्या, अब क्या है, मात्रा है। अब मात्राओं की शुरुआत अ के पास तो कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पे अ लिखा है, तो अ के बाद क्या होता है, आ की मात्रा, तो यहाँ पे टी, आ की मात्रा। ऐसे ही आपको मात्राओं से जोड़कर इस चित्र को पूरा करना है, और यह आपको तभी आएगा बच्चे जब आप मात्राओं का ज्ञान होगा। अगर आप भूल गए हो, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप इसे करने के पहले एक बार अपनी पुस्तक खोल के, कॉपी खोल के देख लीजिए कि हमने मात्राएं कैसे लिखी है, कौन कौन सी मात्रा है, उसका एक बार दोहराव कर लीजिए, और उसके बाद यह कीजिए। अब उसके बाद बच्चों देखो, शब्दों का अभ्यास, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसका सही उच्चारण करना है। मैंने आपको उसके पहले भी बताया है बच्चों कि अगर आप उच्चारण सही करते हो तो आप उसका लेखन भी सही करोगे। क्या बच्चों, कि आप अगर उसका उच्चारण सही करते हो तो आप उसका लेखन भी सही करोगे। जैसे बैंगन, बै ऐ आ रहा है बच्चों, तो उसमें क्या आता है, बिंदु आता है, क्योंकि न, नाक से वो स्वर निकल रहा है। मछली, मछली, मछली होता है क्या, नहीं, मतलब छोटी की मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा है, मछली। वैसे ही देखिए यहाँ पे चिड़िया, अंगूर, मतलब जो भी है आप उसका उच्चारण करोगे और वहाँ पे उस शब्द को लिखोगे। मतलब यहाँ चित्र है और उसके नीचे यहाँ पे उसके शब्द लिखोगे। बच्चों, आप जितना वाचन, उच्चारण, लेखन करोगे, आपका भाषा का भी उतना ही ज़्यादा विकास होगा। इसके पश्चात बच्चों, यहाँ पे है असंकन शब्द पर गोला करो। जैसे ये क्या है बच्चों, पहला चित्र आम, हमको आम नहीं देखना है, हमको आ की मात्रा देखना है। जैसे कान, क में आ की मात्रा, जाल, ज में आ की मात्रा, पर यहाँ पे छोटी की मात्रा आ गई, तो यह क्या है, असंगत है, यह अलग है। वैसे ही यहाँ छोटी ई, यहाँ पे छोटी ई है, ये छोटी ई है, और ये क्या है, बड़ी ई है, तो इसे गोला करना है। ऊ, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ, तो ये दोनों समान है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ, इस पर गोला करना है। तो बच्चों ऐसे ही आपको यहाँ पे औरत की मात्रा, ऊन की मात्रा, अंग और ओ, यह सब की मात्रा देखनी है, और ये चित्रों की मात्राएं आपको देखनी है बच्चों, और यहाँ पे मात्राएं देखकर जो असंगत दिखेगा उस पर आपको गोला करना है। बच्चों नहीं आता है,
आप उसे पहले पढ़ो और फिर करो। अगर आप देखकर करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप अपनी पुस्तक खोलिए, उसमें देखिए और उसके बाद यह कीजिए। और यह सब आपको कॉपी में करना है बच्चों, और सफाई से कीजिए, आपके पास समय है। अब हम अगली कक्षा में दूसरा भाग पढ़ेंगे। यह सिर्फ आपके लिए एक दोहराव था बच्चों। धन्यवाद।